जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो भी बेरोजगारी भत्ता ले रहा है, उसकी बजाय जो वास्तविक बेरोजगार है उसको भत्ता मिलना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आज भत्ता कब तक लेगा? वो 2 साल तक ले लेगा, तो साथ में इंटर्नशिप करेगा तो उसको सीख जाएगा कुछ। जैसे आप स्मार्टफोन में आप काम कर रहे हैं जी, ठीक है ना, या कोई आईटी में काम कर रहा है और कोई इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसका जो अनुभव होगा बाद में वो उसकी ज़िंदगी बनाने में काम आएगा अनुभव। तो भत्ते के साथ साथ में अनुभव दिलवाने के लिए हमने स्कीम लागू करी थी। अच्छा, मुझे खुशी है कि आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भत्ते की आपने कहा भत्ता जो इंटर्नशिप करने वालों को मार्क्स मिले, ये इजीली नहीं मिलने वाला है। अच्छा सर, इसको दिखवाएंगे, एग्जाम में करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री श्याम सुंदर स्वामी, शारीरिक शिक्षक, मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ये तीरंदाज है, पैरा ओलंपियन है और वर्ल्ड पैरा ओलंपिक्स में इसने स्वर्ण पदक जीता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की नीति के तहत आउट ऑफ वे, आउट ऑफ टर्न जाकर स्कीम के तहत इनको शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति दी गई है। नमस्ते सर, मैं आप जो आपकी पॉलिसी आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी है उसमें शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर बताते बहुत हर्ष हो रहा है आपको कि 2024 पेरिस ओलंपिक का मैं एक टिकट लेके आया हूँ और सर 2024 में मेडल लेके आके आपसे ही मिलूँ, ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। सर मेरा एक सजेशन है आपसे। स्वागत है, हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हमारी है। मेरा सर एक सजेशन है, जैसे जितने भी आउट ऑफ टर्न में पीटीआई वगैरह लगे हैं सर, उनको स्कूल ना जाते हुए 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को मैदान में आप उनको देते हो तो सर बहुत स्पोर्ट्स बढ़ेगा, राजस्थान खेलेगा तो बढ़ेगा राजस्थान, सर खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक जो हमने शुरू किया है देश की आज़ादी के बाद में पहला प्रयोग है देश के अंदर, पूरे प्रदेशवासियों को जोड़ दिया खेलों के अंदर, इसीलिए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में बहुत कम लोग हमारे मेडल लेके आते हैं देशवासी। कोरिया हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, बड़े बड़े कितने मेडल लेते वो लोग। तो हमने देखा कि एक माहौल बनना चाहिए राजस्थान के अंदर, तो कोई उम्र की सीमा नहीं रखी हमने, दादा पोते साथ खेले हैं, आराम से खेलों में बहुत माहौल बना राजस्थान के अंदर। अब हमारे इस प्रयोग को कई राज्य सरकारें भी अडॉप्ट कर रही है और राज्यों के अंदर भी। पिछली बार 30 लाख थे, इस बार 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया था इस बार। अब बात रही आपकी, जो आपने कहा आपकी नौकरी लगी है, आउट ऑफ टर्न लगी है खेलों के अंदर, आप टोक्यो 20 में मेडल लेकर आए थे, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। दोबारा चाइना जा रहे हैं आप, एशियन गेम खेलने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप मेडल लेके आइए। और आप, और तीसरा आपने कहा, एक तो आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हम लोग, काफ़ी बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल 200-400 लोगों की नौकरी लग चुकी है अभी तक भी, इतनी बड़ी तादाद नौकरी लग रही है आउट ऑफ टर्न। 2% रिजर्वेशन अलग दे रहे हैं उनको, अवार्ड पहले 30-40-50 लाख होते थे अंदाज से मेरे, अब आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के अवार्ड भी हैं। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको लेके मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है, आने वाले वक्त में आप जैसे नौजवान हैं, गांव से भी है, शहर से भी, कस्बों से है, वो अपने टैलेंट को बाहर लाएंगे। ये जो राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का मतलब ये था, जो प्रतिभाएं हैं उनको अवसर मिलेगा जीतने का, आगे बढ़ने का, उसके बाद में हम फॉलोअप करेंगे, उनके लिए अच्छे कोचिंग व्यवस्था हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे उनके मैदान हो, आज आधुनिक मैदान आज बन गए अंदर लगे हर खेल के अंदर, तो वो वैसे मैदान उपलब्ध हो। खेल इंस्टीट्यूट बन रही जोधपुर के अंदर बड़े रूप में, एक मैंने पहले एक प्रयोग किया था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, वो फेल हो गया, कि सरकार बदल गई हमारी, जून में मैंने घोषणा कर दी थी, एक्ट बन गया असेंबली के अंदर, सरकार बदलते ही वो खाली कागजों पड़ी रही है। अब उसके बदले हम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो कहने मतलब स्पोर्ट्स में सरकार की पूरी तवज्जो है, हम चाहेंगे आने वाले वक्त में राजस्थान नाम देश में और दुनिया में पैदा करें, और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ में है। सर आपने जो आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी दी है सर, खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बीकानेर को करोड़ों रुपए के सौगातें दी जा रही है शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से। सबसे पहले
हम अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि एक एक करके कार्यक्रमों का आप शिलान्यास लोकार्पण करें। सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में श्री राजीव गांधी साइकिलिंग वेलोड्रम 930 लाख रुपए की लागत से वेलोड्रम बना है। वीसी साहब आचार्य मनोज दीक्षित जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। बीकानेर के साइकिलिस्टों की लंबे समय की ये मांग पूरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये साइकिलिंग वेलोड्रम अब बीकानेर में स्थापित हुआ है। इसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल 23 जून को किया था। और इसके बाद रेलवे अंडरब्रिज अंबेडकर सर्किल के पास रानी बाजार 506 लाख रुपए की लागत की परियोजना, और इसमें रानी बाजार रेलवे क्रॉसिंग को रानी बाजार आरयूबी पर ट्रैफिक दबाव में कमी करने व यातायात सुगम करने के लिए निर्माण किया गया है। और इनके बाद शिलान्यास कार्यक्रम श्री राजरत्न बिहारी मंदिर बीकानेर स्वीकृत राशि है 382.80 लाख रुपए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। और इसके बाद पुरातत्व संग्रहालय विभाग की ही लक्ष्मीनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार और विकास कार्यक्रम लागत है 253.56 लाख रुपए। और इसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 132 केवी जीएसएस सिमटसर मुकाम तहसील लोखा जिला बीकानेर अनुमानित लागत है 2,144.26 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आह्वान करता हूं कि वे बीकानेर के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। हमारे साथी डॉक्टर बी डी गल्ला साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दुत्तासा जी, हमारे मंत्री भी हैं और अभी कैंपेन के चेयरमैन बने गोविंद मेघवाल जी, भंवर सिंह भाटी जी, लक्ष्मण कड़वासा जी, महेंद्र गहलोत जी, यशपाल गहलोत, शियाग साहब, बिस्ताराम जी, मदन मेघवाल साहब, जेवर रहमान साहब।